subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिलेंगे आपसे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन ऐसे तरीके जिससे कि बहुत जल्दी आपकी वीडियो TikTok पर वायरल हो जाएगी। तो ये तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी BFX के लिए, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक कीजिए तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको BFX के बारे में बताया था, और उसमें से एक वीडियो TikTok पर वायरल हो चुकी है। अगर आप भी कुछ इस तरीके की वीडियो आपको बनाते हैं तो वो भी TikTok पर वायरल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो तीन तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए, और अगर आप वो तीनों तरीके आजमाते हैं, उनमें से तीनों में से कोई भी तरीका आजमाते हैं, तो आपके वीडियो वायरल होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला तरीका आप सुन लीजिए। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन इफेक्ट को यूज़ कीजिए। अगर आपको नहीं पता स्लो मोशन वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दी है। तो आप स्लो मोशन की वीडियो अगर आप बनाते हैं या फिर आपके फ़ोन में स्लो मोशन है, तो आप उससे तो और परफेक्टली आपका स्लो मोशन हो जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो बनाते हैं और उसे TikTok पर डालते हैं, तो वो TikTok पर वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कॉमेडी वीडियो अपने साउंड पर, अपनी ओरिजिनल वॉइस में, कोई भी जोक आपको गूगल पर मिल जाएंगे, कोई भी जोक आप वहां से सर्च कीजिए और उसको याद करके, और आप अपनी वीडियो में उसको बोल दीजिए, और बाद में उसका फनी साउंड आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो वीडियो भी TikTok पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है, और वो ओरिजिनल आवाज़ में वीडियो आपकी हो जाती है। तो इसलिए TikTok पर वायरल होने के चांस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब नंबर तीन तरीके की तरफ हम चलते हैं। तो ये सबसे फेमस तरीका है, और ये 100% वर्किंग है, क्योंकि इससे इसके लिए मैं एक वीडियो बना दी थी मैंने, और वो TikTok पर डाली थी तो वो वायरल हो गई थी। तो ये तरीका है VFX का। जी हाँ, VFX जो स्काई वाली वीडियो चल रही है VFX में, उसमें हम किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, तो वो फोटो या वीडियो हम उसमें किसी की भी ऐड कर सकते हैं। तो वो जो है आजकल TikTok पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से आपके वीडियो का वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप उसकी उस तरीके की VFX वीडियो आप बनाते हैं और उसको TikTok पर अपलोड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक मिलेंगे और व्यूज़ तो आप बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। तो यही थे तीन तरीके जो सबसे जेन्युइन तरीके हैं। अगर इनमें से आप कोई भी तरीका आजमाते हैं, तो आपकी वीडियो जो है सबसे ज़्यादा वायरल होगी। जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप हो सके तो तीसरा वाला तरीका ही सबसे पहले यूज़ करें, और जो भी तरीका आप यूज़ करें उसको आप रेगुलरली यूज़ करें। ऐसे नहीं है कि मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं तो तीनों तरीकों को आपको एक एक करके यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी तरीका आपको कोई सा भी ले लेना है, और उसी के उस पर वीडियो आपको बनानी है कुछ दिन तक। अगर आपकी वो वीडियो चलने लगती है तो आपको वही वीडियो बनानी है जब तक कि आप पूरी तरीके से फेमस नहीं हो जाते। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।